नमस्कार, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के निर्देश पर जिले भर में सफाई अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पलहनी ब्लॉक के सफाईकर्मी भी लगातार साफ सफाई अभियान चला रहे हैं। इस अभियान के तहत सफाईकर्मियों ने कमिश्नरी परिसर में साफ सफाई करके लोगों को जागरूक किया। वहीं गांवों में जलजमाव वाले संस्थानों पर एंटी लार्वा का छिड़काव किया। डायरिया मलेरिया के चल रहे प्रकोप को देखते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे सभी सफाईकर्मियों को अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई अभियान चलाने व जल जमाव वाले इलाकों एंटी लार्वा व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश के क्रम में पलहनी ब्लॉक के सफाईकर्मियों ने बुधवार को कमिश्नरी परिसर की साफ सफाई किया व ग्राम पंचायत एक रामपुर राजस्व ग्राम चक कोरिया में एंटी लार्वा का छिड़काव करते हुए ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया व जल जमाव वाले स्थानों पर पानी निकासी के लिए भी सफाईकर्मियों ने व्यवस्था की व ग्रामीणों को साफ सफाई के प्रति जागरूक भी किया। वह जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि पूरे जिले में सफाईकर्मी लगातार साफ सफाई व सैनिटाइज का कार्य कर रहे हैं। जल जमाव वाले इलाकों में जल निकासी के साथ एंटी लार्वा और ब्लीचिंग का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को जनजनित या संक्रमक बीमारियों से बचाया जा सके। यहाँ सरकार सिंचाई रोग पे कड़ी कड़ी है, वहीं आपके द्वारा भी कई गाँव में निरीक्षण किया गया और साफ सफाई में निर्देश भी दिया गया, तो क्या क्या व्यवस्था की है? विशेष संचारी रोग नियंत्रण दस्तक अभियान माह अक्टूबर नवंबर 2021 तृतीय चरण इसका चलाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि अतिवृष्टि हुई है, अतिवृष्टि के बाद जल जमाव जगह जगह हुआ है। इसके क्रम में हमारे 1858 जितनी ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायतों के सभी राजस्व गाँवों में प्रचार प्रसार जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए, डेंगू से बचाव के लिए तथा COVID-19 से बचाव के लिए कराया जा रहा है, जिसमें सभी गाँव में प्रभात फेरी बेसिक शिक्षा कार्यालय टीचरों के माध्यम से और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से कराया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में जो उछले हैंडपम्प है, सेलो हैंडपम्प जो ऊँचे ऊपर ही सतह से पानी देते हैं, इनका चिन्हांकन किया जा रहा है और उसमें क्रास लाल का चिन्ह लगा करके पानी पीने से रोका जा रहा है। ग्रामवासियों को पानी पीने से पहले गर्म पानी उबाल करके ही पिए, यह निर्देश दिया जा रहा है, जिससे बहुत सारी जलजनित बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा हैंडपम्प कहीं पानी से डूबा हुआ चबूतरा है तो उसको ऊंचा करके वहाँ पे सोख्ता गड्ढा बना करके पानी उसके अगल बगल न रहे, जिससे दूषित पानी उसके अंदर न जाए, वो व्यवस्था कराई जा रही है। नालियाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ नहीं बनाई जा रही हैं, पुरानी मरम्मत योग्य नालियों को साफ़ सफाई करा करके उनको मरम्मत कराया जा रहा है। इसके अलावा झाड़ियाँ जैसे गांव में घुसते ही बड़ी बड़ी दिखाई पड़ती हैं तो उससे भी जीवाणु कीटाणु फैलने की आशंका होती है, झाड़ियों की कटाई भी बस्तियों के अंदर कहीं झाड़ियाँ हैं तो कटाई भी कराई जा रही है। शौचालय कुछ ऐसे परिवार हैं ये 24,000 के लगभग, जिसमें कि उन परिवारों में शौचालय नहीं है, इनका फीडिंग करा ली गई है, उन घरों में शौचालय निर्माण की भी कार्रवाई की जा रही है। समस्त जहाँ जल जमाव का स्थान है वहाँ एंटी लार्वा का छिड़काव, फागिंग और सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, जागरूकता के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं।